हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजेरियल फंक्शंस। इन फंक्शंस की कोई सिंगल लिस्ट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है। जो सबसे मेजरली हम यूज़ करते हैं वो है हेनरी फ्योल के 5 फंक्शंस, जो कि हैं नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड नंबर 5 कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब पहले ही से ही सोचना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है सब कुछ। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करना। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग मीन्स जो स्टाफ है उसको इम्प्लॉय कर लेना, रिक्रूट कर लेना, उसके बाद उनकी इंडक्शन, ट्रेनिंग सब कुछ स्टाफिंग का पार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब उन्हें डायरेक्शन देना कि काम कैसे करना है। और लास्ट स्टेप आ जाता है कंट्रोलिंग। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, उसके बाद स्टाफिंग हुआ, फिर डायरेक्टिंग हुआ, फिर कंट्रोलिंग हुआ, कंट्रोलिंग के बाद फिर से दोबारा क्या होगी, प्लानिंग। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहेगा। ये तो थे हेनरी फ्योल के फंक्शंस जो हेनरी फ्योल ने डिस्क्राइब किए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर हम लूथर के अकॉर्डिंग देखें, उन्होंने डिफाइन किया है एक कीवर्ड जो कि है पॉस डी कॉर। ये क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आर किसके लिए है? आर है रिपोर्टिंग के लिए और बी है बजटिंग के लिए। तो लूथर के अकॉर्डिंग ये हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तो हेनरी फ्योल वाले ही हैं। उसके अलावा उन्होंने 2 एलिमेंट्स और ऐड कर दिए हैं, 2 फंक्शंस, जो कि क्या है? रिपोर्टिंग है, बजटिंग है। तो जो मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सारे फंक्शंस मिलके मैनेजमेंट को बनाते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।